आज मैं आपको साइंस का जो हमारा एग्जाम होने वाला है अभी हरियाणा बोर्ड का 10वीं क्लास का, उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप से आपका पेपर आएगा आपकी बार, वो आपके लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे और एज इट इज जिस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है कुछ इस तरह से आपको जो है हम दिखा देंगे अभी। तो आपको दो पार्ट में आपकी बार क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पार्ट वन और पार्ट टू। ये पार्ट वन है जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबर का होगा ये, 2.5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे पूरे पेपर के। सेकंड जो पार्ट मिलेगा उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो श्री कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पैटर्न दोनों चीज़ें बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कुछ इस तरह का ही आपका पेपर आएगा, जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा और जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो सारे आपको सेम मिलेंगे एज इट इज, जो जैसी इसमें दिखाई गई है। जो जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ना जरूर, कितने क्वेश्चन है, कितने कौन से पेज पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे, और कंपलसरी क्वेश्चन होंगे सारे, जितने जो भी जिसके मार्क्स होंगे उसके सामने इंडिकेट होगा, वो लिखा होगा। तो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वो आपको पता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। तीन मेन पॉइंट है यहाँ पे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर में जवाब देना, ज्यादा मत लिखना आप। तो उसकी लंबाई पे करता है, उसकी मोटाई पे, और उसके जो प्रकृति है। अब यहाँ पे जो इंग्लिश में है, अगर बात करूं मैं तो टेम्परेचर पे, तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टर की लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये एक फॉर्मूला है पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस पॉइंट को कर लें आप, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 2 नंबर में, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर प्लस 2.0 डी डायप्टर, यानी कि डी मीन्स डायप्टर होता है, पावर को हम मापते हैं डायप्टर में। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, ये किस टाइप का लेंस है, इसका एक यूज आपने बताना है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट आपसे पूछे हैं। 1 नंबर में आप फोकल लेंथ निकालोगे इसकी, 1 नंबर का आपको ये बताने का मिलेगा कि ये लेंस किस टाइप का है, और 1 नंबर मिलेगा आपको इसका एक यूज बताना है। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने जवाब देना है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं साथ के साथ, कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपने, और फोकस दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, तो जैसा कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं एक बार पावर का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जो आपने पढ़ रखा है P इज इक्वल टू 1/F होता है। पावर और जो फोकल लेंथ होती है एक दूसरे की अपोजिट होती है। अगर पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, और फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर निकाल सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको एक आंसर के अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे हम जब भी वीडियो डालेंगे। जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी वीडियो देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्रॉइंग ए लेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की और जनरेटर तो सिलेबस में है नहीं, तो मोटर है, मोटर के बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, तो लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड रूल की एप्लीकेशन बताइए। तो उसकी एप्लीकेशन में सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसकी जो प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन है वो आपको पता होने चाहिए, और डायग्राम भी। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, 3 3 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, पार्ट वाइज भी आ सकता है, ठीक है। उसमें स्प्लिट रिंग का वर्क भी पूछ सकता है आपसे, वो स्प्लिट रिंग का फंक्शन भी पूछ सकता है, और ब्रूस का फंक्शन पूछ सकता है, आर्मेचर का, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि
कितने नंबर में क्वेश्चन देगा वो। उसके बाद जो नेक्स्ट है और में दे रखे हैं क्वेश्चन, जैसे अभी देखो डिवाइड करके दे दिए छोटे छोटे क्वेश्चन, ये वो एक ही था, ये दो है फिजिक्स के अंदर से क्वेश्चन उठा रखे हैं ये। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाओं को आरेखित कीजिए, यानी कि ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट होता है, उसके चारों तरफ आपने डायग्राम देखा होगा, वो लाइनें बना रखी हैं। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय रेखाओं के गुण, और एक है ये मतलब डायग्राम सिर्फ। दोनों देख लेने आपने ध्यान से, तीन या चार प्रॉपर्टी है मेन उसकी, वही कर लेना आप। उसके बाद अगला जो पॉइंट दे रखा है इसमें, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बहुत ही आसान है, ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हो उसको। फादर मदर चाइल्ड, यानी कि फादर एफ से फोर्स बनेगा, एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से बनेगी का करंट, ठीक है। तीनों चीज को शो करेगा थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये जो रूल है आपके तीनों रूल आ सकते हैं, ध्यान रखना। ये राइट हैंड रूल जनरेटर में है, जनरेटर कटा हुआ है, लेकिन राइट हैंड रूल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का। और एक खाली राइट हैंड थंब रूल है, ना कि फ्लेमिंग, तीन रूल है ये। पहला बता रहा हूं मैं राइट हैंड थंब रूल, फिर उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तीनों अलग अलग हैं। कहीं आप सेम कर दो राइट हैंड थंब रूल में, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा दो, तीनों में से आ सकता है, दो नंबर में जरूर आएगा ये, आप जरूर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपका दो नंबर का एक क्वेश्चन, देखिए दो दो नंबर के एक क्वेश्चन आने हैं, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से, एक बायो से। तो यहाँ पे जो दो नंबर आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेंसिडिटी से क्वेश्चन आया, उठा रखा है रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी में क्या होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, जिससे उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसका जवाब देना है दो नंबर के अकॉर्डिंग। अगला ये एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर से है, इनमें से NaHCO3 है और CaCO3 है, CaOCl2 है, कुछ ये केमिकल फॉर्मूले हैं, इनके बारे में डिटेल जरूर आपने याद रख लेना, इनका नाम, कॉमन नाम जो है इनका, और इनके यूज। तीन नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ये। अगला क्वेश्चन जो है पांच नंबर में है, लेकिन पार्ट्स में दे रखा है, यानी कि एक तीन नंबर में, एक दो नंबर में, टोटल पांच नंबर का हो गया ये, और पीरियोडिक टेबल में से है ये। तो इसमें जो पहला पार्ट है आपका, हाउ डज एटमिक साइज वेरी इन ए ग्रुप, एटमिक साइज कैसे वेरी करेगा, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, यानी कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, घटेगा बढ़ेगा, वो हम सॉल्यूशन में बताएंगे आपको। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं, और जल्दी ही हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, इसका विद आंसर आपको दिखा देंगे, क्या क्या आपने कितने मार्क्स में कितना लिखना है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, हमारी ऐप में भी जाके डाउनलोड कर सकते हो आप नोट्स को, हमारे माइंड मैप भी है, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, बायोलॉजी के नोट्स भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के नोट्स मिल जाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी हमारी वीडियो डलेंगी एग्जाम तक। अगला जो पार्ट दे रखा है इसमें पूछ रखा है आपसे डबराइनर के ट्राइड्स का जो ला है उसका एक एग्जाम्पल पूछा है, तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शायद इसका एग्जाम्पल है, कंफर्म कर लेना बुक से। फर्स्ट और लास्ट के जो हम एटमिक मास को जोड़ के बीच वाले के एटमिक मास को निकालते हैं, एक न्यूलैंड्स का है ऑक्टेवस रूल, एक डबराइनर का है, इनमें से जरूर आएगा ये, ध्यान रखना। ये इनकी लिमिटेशंस क्या थी, एडवांटेज या डिसएडवांटेज आ सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन और में दे रखा है आपको, नेम थ्री एलिमेंट्स हुज वैलेंस सेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, यानी तीन एलिमेंट्स के बारे में बताना है आपने, जिनका वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ये टेबल में आपने देखना है एक बार, यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है टेबल के अंदर से, तो टेबल में आपने ध्यान से नजर निकाल लेनी है टेबल की, ट्रिक भी आपको दे देंगे अगर याद नहीं होती है वो। उसके बाद नेक्स्ट है केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीफ इन क्रिएटिंग द हिज पीरियोडिक टेबल, किस क्राइटेरिया पे उसने बनाई थी पीरियोडिक टेबल वो, तो उसने एटमिक मास पे बनाई थी, आपने पढ़ा होगा पॉइंट डिफरेंस, मैंने क्वेश्चन डाला है दोनों टेबल के बीच का डिफरेंस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच का और मेंडेलीफ के टेबल के बीच का, हमारे कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो मैंने वहां पे क्वेश्चन डाल रखा है आपके लिए,
वहां पे आप जाके देख सकते हो डिफरेंस, यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एक तो एटमिक मास पे थी ये, और दूसरा एक पॉइंट और है उसमें, वो आप देख लेना वहां से ध्यान से, कोई भी दो पॉइंट आप उठा लेना आसान से जो आपको आसान लगे। अगला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है, इसके अंदर दो नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो बायोलॉजी के नोट्स हमारे को आपको ऐप में मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना आप, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट उठाया जा सकता है। दो नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सातवां क्वेश्चन बता रहा हूं दोबारा से हिंदी में भी, परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब थ्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी आप यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन है आपका, ड्राई वेल डेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपने सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम के नंबर है, डायग्राम बनाओगे तो उसमें नेमिंग जरूर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नेमिंग होनी चाहिए। जितने पार्ट वहां पूछे जाते हैं आपके आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो सारे आपने बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो जाइलम के बारे में आपको बता दूं मैं, जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, फ्लोएम आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है, किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड जो बनेगा प्लांट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। दो दो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा इसके जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, हम कम्युनिटी में डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा कम्युनिटी में, वहां से आप इजी लैंग्वेज में आप नोट कर सकते हो, कॉपी में जरूर कर लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक ग्लूकोज का जो है क्वेश्चन आता है, जिसमें तीन अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसको जरूर कर लेना आप, वहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है या इस फॉर्म में आएगा। ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर से, आर्टरी वेन के बीच का डिफरेंस है वो भी आ सकता है, उनको जरूर कर लेना आप। डिफरेंट वाले सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर एग्जाम के बाद बोलोगे सर ने बताया था हमने किया नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उत्पाद क्या है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए आपको पता है कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और उनके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल और CO2, वाटर, और जो फोर्थ चीज बच गई सनलाइट। ये चीजें जरूरी हैं, इनके बारे में आपने बताना है, और बायो प्रोडक्ट क्या मिलेगा वहां से वो भी बताना है आपने। दो नंबर में जितना पूछा गया उतना ही बताना है, और जितना पॉइंट में आप डिफाइन करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको साइंस का ये जो एक पार्ट सेकंड था जिसमें वैसे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखाऊंगा, MCQ वाला जो फर्स्ट पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं इनको जरूर कर लेना। कोई बच्चा ऐसा है जो पास होना चाहता है तो वो इनको जरूर करके जाए, पास आप आराम से हो जाओगे। इसके अलावा तीन सेट और मैं से ही डालूंगा सेम, अगर आप वो भी कर लेते हो तो 95 प्लस आपके जो है कवर हो जाएगा आसानी से, आप कर पाओगे वहां चीज इतने मार्क्स। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा 10th क्लास साइंस का। ये है आपका पार्ट सेकंड, इसमें हम MCQ के बारे में बताएंगे आपको, सेम बिल्कुल एज इट इज आएगा पेपर आपका। ये ऊपर ऐसे रोल नंबर फिल करना है आपने, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं फिजिक्स से है, ये 30 मार्क्स का है, 10-10 नंबर के आएंगे, बाकी आपको कंफर्म हो जाएगा अभी आगे क्वेश्चन देखोगे आप। तो क्वेश्चन आया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। इनमें से कौन से मटेरियल का यूज नहीं करेंगे हम लेंस को बनाने में। तो ग्लास से बना सकते हैं, प्लास्टिक से, वाटर से, क्ले से नहीं बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलेरी मसल्स पक्षमाभी द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, ऊर्जा वाले में से है, यानी कि ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी, में भी हीट में, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, तीन ऑप्शन सही है इसमें, एक गलत है, आपने देखना ध्यान से, ठीक है। आई आर स्क्वायर जो है, सी जो है यहाँ पे गलत है, आप कंफर्म करें अपनी बुक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं, यानी कि ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन, किस दिन हम यूज नहीं कर सकते उसका, जिस दिन बादल छा जाएंगे, क्योंकि जो सोलर हीटर वाटर हीटर होता है वो सूर्य से चलेगा और धूप नहीं निकलेगी तो वो नहीं काम करेगा, तो इसलिए क्लाउडी डे के दिन नहीं काम करेगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांच आर एस में से प्रथम आर का क्या अर्थ है, यानी कि फाइव आर एस, कुछ पुरानी बुक्स में थ्री आर एस है तो पांच अब नई बुक्स में आ गए एनसीईआरटी बुक में, तो आप जरूर देख लेना। तो फर्स्ट जो है ध्यान रखना है आपने, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिफ्यूज क्या है, तो रिफ्यूज तो लास्ट वाले में चला गया है, पहले ही तो आते थे हमारे, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ध्यान रखना है आपने, ये फर्स्ट पे कौन सा आया है कंफर्म करना आप। उसके बाद हमें सोलर कुकर के लिए हम किस तरह का मिरर यूज करते हैं, तो हम करते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर में अगर बात करें तो कनकेव हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, कनकेव यूज होगा उसके अंदर। उसके बाद टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये भी आपने खुद करना है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सफेद रंग को सात रंग में बांटना क्या, ये भी आपने खुद करना है, डिस्पर्जन होता है बताई दूं। तो कुछ तो मेरे से आंसर निकल रहे हैं लेकिन कुछ आपने खुद ढूंढने हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पे नोट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, वुड गोबर गैस न्यूक्लियर एनर्जी कोल, चारों में से एक बिल्कुल डिफरेंट है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी जो है सेम है, ये बायोमास का एग्जाम्पल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है। उसके बाद केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है, मैंने बोला था 10 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में। 11वां क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ढूंढिए अपनी बुक में, जवाब दीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड एमजी रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को हटाने के लिए, क्योंकि वो लेयर जलने नहीं देगी उसको, लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नेम ए नॉन मेटल दैट पोसेस लस्टर, बताइए किसी एक नॉन मेटल का वो बताइए जिसमें चमक होती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, डायमंड सबसे अद्भुत है, चमक के साथ साथ वो नॉन मेटल होगी भी चमक है उसके पास, वैसे चमक होती है मेटल्स के पास सिर्फ। अगर मेटल में पूछ लिया जाए कोई ऐसा मेटल बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मरकरी है वो, ध्यान रखना आप। उसके बाद नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगला क्वेश्चन वही आ गया सेम, देखो मरकरी है। उसके बाद नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल, ओल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप है कई हमारे, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, और क्लोरो और ब्रोमो है। तो आपने ये क्वेश्चन खुद देखना है, वहां पे एक टेबल है, पूरी टेबल को देख लेना, उनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, जब आप देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा वहां से। अगली रिएक्शन बहुत आसान दे रखी है, सिर्फ इतने पूछा है कि किस टाइप की रिएक्शन है ये, तो क्लियर दिख रहा है, SO4 जो है डिस्प्लेस हुआ है, कहां चला गया, ZN के पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। और इसका तो बहुत आसान सा जवाब है, मिथेन का आणविक सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथेन, एल्केन ग्रुप से है ये, इसका जो, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम काउंट करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CH4 फॉर्मूला होता है। अब यहां से आप ये समझ लेना, जो मेन फॉर्मूले हैं कार्बन वाले चैप्टर से, उनमें से पूछा जा सकता है आपसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूले जरूर कर लें, कमेंट करोगे तो मैं आपके पास इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो कम्युनिटी में डाल दूंगा। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, वो कार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं वो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 आया था तो वो उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, वो क्या हुए हमारे हाइड्रोकार्बन। अगला जो है हमारा पार्ट आ गया बायोलॉजी का, केमिस्ट्री में हमारे क्वेश्चन कम मिले हैं, बायो में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे अब। उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाइलम इज प्रेजेंट, सॉरी इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो,
तो आपको पता है इस बात का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, और मिनरल्स भी यही करता है वाटर के साथ। अगर होता तो आप टिक लगा देते मिनरल्स पे भी। अगला क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये मैंने आपको बताया था अभी अभी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तीन फॉर्म में, वहां से क्वेश्चन आया है, ये आपने खुद देखना है। इसमें से कोई पॉइंट उठा के पूछा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ईस्ट में भी होती है, ये आपने ध्यान रखना है कौन सी रिएक्शन किसमें होगी, कहां लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और कहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, तो ईस्ट के अंदर है, प्लाज्मोडियम लेस्मानिया या अमीबा, ये भी आपने इसके नोट्स डाल रखे हैं हमने रिप्रोडक्शन के कंप्लीट, सारे पॉइंट वहां से कवर हो जाएंगे तो आप देख लेना वो। उसके बाद है द एंथर कंटेंस, क्या होता है एंथर के अंदर, पोलन ग्रेन्स होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, सॉरी हिंदी में पढ़ लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो खेत जो है खुद बनाया हुआ है, तालाब वन झील जो है प्राकृतिक हो सकते हैं, इसमें से पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन सा कहलाता है। देखिए ध्यान से आप, ये क्वेश्चन बहुत आसान है जो आप दे पाओगे आप। यूज ऑफ क्लोथ बैग्स, स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, वॉकिंग टू स्कूल, ऑल ऑफ द अबो, तो ये इसका आंसर क्लियर पता चल गया होगा आपको, ऑल ऑफ द अबो, सारे काम हमें करने चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड, कहां से प्रोटेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हमारा गर्दन से स्टार्ट होता है, ये रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, तो ये आपने इसका जवाब खुद ढूंढना है। और एक और बता दूं मैं आपको, यहां से जो जवाब आपको मिलेगा इसमें से कई क्वेश्चन निकलेंगे, जो ह्यूमन ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें से कुछ पॉइंट कटे हुए हैं लेकिन बहुत सारे हैं भी। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट आए कि सर कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से जो छोटे हुए हैं टॉपिक, वो से पूछ सकता है, कम्युनिटी में डाल दूंगा मैं सिलेबस भी आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स एंड डैश इन आवर बॉडी, तो यहां से आप इसका जवाब भी खुद दोगे। जिस बच्चे को पता है कमेंट जरूर करें, जिसको नहीं पता है वो कमेंट करें कि सर इसका क्वेश्चन का जवाब बताएं, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों के पास वीडियो पहुंच रही है। विच लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, इसका तो आपको पता ही होगा, ओजोन लेयर हमें बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पे दो होते हैं XX और XY, ठीक है, तो ये भी आपने खुद देखना है। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको बोलेंगे हम विलीज, जो कि एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल क्रोस्ट एट ऑल पी प्लांट्स, परा नहीं है, पी प्लांट है ये, यहां पे पी मतलब मटर का पौधा, तो उसने टोल टोल लिए, कैपिटल टी एंड शॉर्ट प्लांट लिए, तो उसमें क्या हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टोल थे, सेकंड में कुछ टोल आए 75% और कुछ आए स्मॉल शॉर्ट, यानी के टाल एंड ड्वार्फ, ड्वार्फ यूज किया गया है आपकी बुक में यूज वर्ड। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 10th क्लास का एक सेट हो गया है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, साथ में बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़े हुए बताए हैं, तो इसमें से मोस्टली आपका जो है 40% से 50% पेपर आ जाएगा, बाकी तीन सेट और हम देंगे, हम कवर करेंगे पूरा पेपर कि आपका कुछ बचे ना। तो इनके जो ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन के आंसर है वो कमेंट जरूर करें, मुझे पता चले कितने बच्चों के पास वीडियो पहुंची और कितनों की तैयारी कितनी है, ठीक है। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे और इनका सॉल्यूशन जल्दी ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। ऑप्शन टाइप तो आप खुद ही कर लोगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है कि जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर लेना, हम जवाब दे देंगे। इसके अलावा जो पार्ट फर्स्ट था हमारा सब्जेक्टिव था, उसका हम सॉल्यूशन जल्दी ही डाल देंगे आपके लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।